ईवीएम नहीं हटेगी तो जी ईवीएम नहीं हटेगी नहीं हटेगा तो मतलब कि उनका चाल है। मोदी जी तो काम नहीं करते हैं, हमारे एकदम समझिए कि चूर चूर कर दिए हैं भारत को एकदम। काम के नाम पर विकास के नाम पर क्या विकास मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा साला। मतलब कि गैस मिल रहा है, मतलब कि 1030 रुपया हो गया। यात्रा अगर नहीं भी निकलेगा और ईवीएम हट गया तो फर्क 100% गया, 200% पर। जनता खुश है? नहीं भाई, हम खुश नहीं है। ठीक है तो खुश है तो बात कीजिए। अरे सर मतलब ईवीएम हटाइए, सरकार कैसे बदली हो जा रहा है आपका? हाँ चोर सरकार है। ईवीएम जीत रही भाजपा जी, मोदी मैजिक चल रहा है। मैजिक चल ही रहा है सर। हाँ मोदी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है लोगों को, काला जादू चल रहा है। मतलब चल रहा है सर, मतलब कि वो चल रहा है, वोटिंग चल रहा है, लेकिन मतलब कि हटाइएगा तब मतलब कि आगे क्या परिणाम मिलेगा उसका मतलब देखा जाएगा। हाँ अब क्या बोले, कौन होगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। देखिए मतलब ईवीएम हटाइए, देखिए कौन होता है ना होता है, लेकिन उनको हटने के बाद ईवीएम हटने के बाद ईवीएम नहीं हटेगी तो जी ईवीएम नहीं हटेगी नहीं हटेगा तो मतलब कि उनका चाल है, मतलब कि सब चाल है। हाँ मोदी जी का है, मोदी जी काम पे वोट मिल रहे हैं। काम के नाम पर विकास के नाम पर क्या विकास मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा साला। मतलब कि गैस मिल रहा है, मतलब कि 1030 रुपया हो गया। क्या मिल रहा है, मतलब कि क्या मिल रहा है हम लोग का, मजदूर का हम लोग क्या मिल रहा है? जनता तो खुश है जी, जनता खुश है, जनता खुश है। नहीं भाई हम खुश नहीं है। ठीक है तो खुश है तो बात कीजिए। सर खुश है तो बात कीजिए, बात कीजिए उन्हीं से बात कीजिए। कहाँ खुश है हम लोग, जो पहले काम ज्यादा होता था। आप बोले नाम छोड़िए, फटाफट बोलिए जो बोलना फटाफट बोलिए। अभी ये जो भाई साहब आप सामने बात किए, हाँ वो जो बात सही किए ये गलत किए। अभी मोदी जी को पॉइंट पे बोले, मोदी को मालूम पड़ना बनता है। वरा किसको बोलते है? हिंदू धर्म में विष्णु का अवतार है वरा है, उसको वो लोग काट के खा सकते है, अपना मर्जी हम कुछ भी खा सकते है। पॉइंट पे बोलिए कि चाहते राहुल गांधी आपके क्षेत्र में आए हैं, क्षेत्र में इस यात्रा से कुछ असर दिखने को मिला? अच्छा दिखा तो अगर आप लोग उसको साथ देंगे तो अपना काम हो जाएगा। चाचा इस बार क्या चाह रहे हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक है, अनाउंस हो गया है, चुनाव को लेकर तो क्या देख रहे हैं इस बार? राहुल गांधी तो राहुल गांधी का आना क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी को आना चाहिए। हां भाई एक चीज और, एक मिनट, 2024 चुनाव नजदीक है, क्या चाह रही है इस बार? हम राहुल गांधी को चाहना चाहते हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या अच्छा काम करते हैं? बहुत ही अच्छा, अभी नया लागू करने वाले हैं। क्या लागू करने वाले? लागू करने वाला है अभी बेरोजगारी मिटाने वाले हैं। कैसे मिटाएंगे बेरोजगारी? मिटाएंगे और क्या, कैसे मिटाएंगे? हाथ से मिटाएंगे और क्या, हाथ से मिटाएंगे और क्या मिटाएंगे? हाँ जी वो है काम करेंगे। काम जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी तो काम नहीं करते हैं, हमारे एकदम समझिए कि चूर चूर कर दिए हैं भारत को एकदम। एकदम बोलते हैं बीजेपी वाले बोलते हैं 8 घंटे मोदी जी काम करते हैं। लोग 8 घंटा काम करके थक जाते हैं तो 8 घंटे कौन काम करेगा? जो लोग बोलते हैं राहुल गांधी पप्पू है, तो जो पप्पू बोलते हैं ना उनका रिश्तेदार भी पप्पू निकल सकता है, उनका चाचा, उनका मामा, उनका पुआ, कुछ भी पप्पू निकल सकता है। पप्पू एक नाम होता है, पप्पू को अनपढ़ नहीं बोलते बोलते हैं। मोदी जी खुद बोलते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं देश तो चला रहे हैं ना ठीक से। और तो देश को चलाना बड़ी बात थोड़ी है, बड़ी बात है लेकिन मुद्दे को लेकर चलिए ना। यहाँ पे आप रेलवे बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, कुछ भी बेच दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ निकाल। जनता चुन रही है बार बार उनको, जनता नहीं ईवीएम चुन रही है भाई। हटा के दिखाइए ना, हटा के दिखाइए एक बार, हटा के दिखाइए। कांग्रेस ईवीएम लेके आई बात सही है, लेकिन कांग्रेस ईमानदार के साथ लड़ते थे। लेकिन अगर अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे चीफ मिनिस्टर, ये क्या बोलते हैं इलेक्शन वाले क्या बोलते हैं, कमीशन, उन्होंने रिजाइन किया है मालूम है? सुने कि नहीं? क्यों रिजाइन किए हैं? उससे पहले एक आदमी रिजाइन किया तो बीजेपी के जाकर पार्टी से लड़ गया, सीट लेकर लड़ने लगा। अभी दूसरा आदमी भी एक रिजाइन किया होगा। ये बताइए आपके यहाँ यात्रा है, राहुल गांधी पहुँचे, इस यात्रा का भी असर पड़ेगा कुछ? असर पड़ना चाहिए। अगर ईवीएम हट गया ना, यात्रा अगर नहीं भी निकलेगा और ईवीएम हट गया तो फर्क 100% गया, 200% पर। ईवीएम नहीं हटता फिर? फिर हारना फिर तय है, मतलब हारना तय है। हाँ ईवीएम का सेटिंग है भाई, कहीं भी जाइए, हम बोले ना आपको पहले भी मैंने आपको बताया, कहीं कहीं हारना जरूरी है।